हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉडिफिकेशन विद मनोज। तो आज के वीडियो में हम इंस्टॉल भी करेंगे और रिव्यू करने वाले हैं ये CYT बल्ब। तो ये CYT कंपनी का बल्ब है, 12 वोल्ट 35 वाट का बल्ब है। ये डुअल कलर की LED हेडलाइट है। ये आपको बॉक्स ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, ये CYT कंपनी का है। तो पिछली बार मैंने CYT कंपनी का जो टेल लाइट का बल्ब मैंने रिव्यू किया था और उसको इंस्टॉल किया था, बहुत अच्छा बल्ब है, अभी भी चल रहा है वो। ना तो बाकी नॉर्मल जो दूसरे बल्ब आते हैं वो बहुत ख़राब हो जाते हैं, लेकिन वो बल्ब अभी भी टिका हुआ है, चल रहा है। तो ये देखिए, ये है ऐसा। तो ये डुअल कलर का है, इसमें व्हाइट और येलो कलर की हेडलाइट है इसमें। अगर ये फोकसिंग अगर ठीक से हुआ तो आपको दिखेगा। और कैसा कुछ एडजस्टमेंट करते हैं फोकसिंग के लिए, सॉरी तो ये फोकस ठीक से नहीं ले रहा है, वरना इसमें वाइट और येलो लाइट है इसमें। ओके, तो इसमें एक वाइट वाइट और येलो दो LEDs है इसके अंदर। तो लो बीम पे वाइट जलती है और हाई बीम पे येलो जलती है। तो इसको अब रिव्यू करेंगे, इसको इंस्टॉलेशन करके देखते हैं ये मतलब कैसा फोकस है, कैसा ब्राइटनेस है, कुछ काम आएगा कि नहीं, कैसा है इसका देखेंगे इसका। और दूसरी बात, एक्चुअली एक मुझे डाउट आ रहा है कि ये हेडलाइट जो इस तरह से ऐसे ऐसे फिट होगा, तो दो LED साइड में, ये पता नहीं ये दो LED साइड में कैसा फोकस देगी, क्योंकि नॉर्मली अपन LED हेडलाइट जब भी लगाते तो लो बीम ऊपर होती है, हाई बीम नीचे होती है, लेकिन ये दोनों साइड में है। ये पता नहीं ये कैसा फोकस दे पाएगा कि नहीं, पता नहीं। तो इसको अपन इंस्टॉल करेंगे, मैं इसको शाइन में लगाऊंगा और बाद में इसको अपन चेक करेंगे। तो LED हेडलाइट लगाने के लिए DC कनेक्शन कंपलसरी है। DC कैसे करने का वो आप मेरा पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, या तो उसका वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि उसको DC कनेक्शन कैसे करने का। क्योंकि आप AC पे लगाएंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। अपना जिसके अंदर एक्चुअली फ़ैन नहीं दिया हुआ है, तो ये पूरा उन्होंने हीट सिंक दिया हुआ है, ये पूरा एक्चुअली ये है ना एल्यूमिनियम होता है, ये एल्यूमिनियम का ये पूरा हीट सिंक बना हुआ है हीट एब्जॉर्ब करने के लिए। बाकी कूलिंग फ़ैन इसके अंदर दिया नहीं है, पता नहीं ये कैसे काम करेगा, टिकेगा नहीं टिकेगा पता नहीं, इसको लगा के देखते हैं। लेकिन पर सबसे पहले तो इसका ब्राइटनेस अपने को देखना पड़ेगा, रेज देखना पड़ेगा कि प्रॉपर जाती है कि नहीं। तभी मैं आपको इसको ऑन करके आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। तो ये येल्लो लाइट हो गई, एक मिनट थोड़ा आगे ले लेता हूँ। तो ये येलो लाइट हो गए हाई बीम, और ये लो बीम वाइट। LED बहुत गर्म हो गया है तो पकड़ के, ये देखिए, तो ये लो बीम है और ये हाई बीम येलो। तो लगा के देखते हैं ये कैसे, ये LED तो बहुत जल्दी गर्म हो गई, पता नहीं ये देखते हैं इसको लगा के कैसे चलेगा कि नहीं। ठीक है, तो एंड में अपन इसका रिव्यू करेंगे, और अगर चाहिए तो अपन एक थोड़ा सा टाइम यूज़ करके मैं इसका रिव्यू भी एक अलग से कर दूंगा, वरना ब्राइटनेस तो ये वीडियो में पता चली जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको अपन शाइन में लगा देते हैं फटाफट, और अब बाकी फिर आप इसका टेस्टिंग करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे ग्राउंड पे आया हूँ मैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले इसको जो बल्ब का इंस्टॉलेशन। देखिए ये डायरेक्ट, तो मेरा तो पहले से DC कनेक्शन किया हुआ था, तो डायरेक्ट उसको मतलब फिट हो गया इस तरह से। इसमें क्या हीट सिंक दिया हुआ है, नॉर्मल जो दूसरे RTD आते हैं क्या नाइट आई आते हैं ना, उसमें प्लास्टिक होता है, तो ये हीट सिंक दिया हुआ है, इसके अंदर फैन नहीं है ये। और अभी इसका मैं आपको ब्राइटनेस दिखाता हूँ, तो अभी इसका ऑन करता हूँ। ये इसमें रिमोट वाली लाइट लगाई है, और ये लो बीम, तो काफ़ी अच्छा ब्राइट है ये। ये हेडलाइट जो है ना पूरा एकदम नीचे रखा हुआ है, एकदम नीचे किया हुआ है, लेकिन लाइट फिर काफ़ी अच्छा ही है। अगर इसको M02H के साथ कंपेयर करूँगा तो सेम है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, M02H के जैसा सेम है। लेकिन M02H भी थोड़ा महंगा है और उसमें ब्लास्ट वगैरह है, ये विदाउट ब्लास्ट वाला सीधा सिंपल सा आपको रेस दे रहा है, और साइड में दिया लेकिन फिर भी अच्छा रेस दे रहा है। ना तो नॉर्मली अगर आप RTD को अगर साइड में अगर फेस करके लगाएंगे ना तो नहीं आएगा, ये इसका साइड में फेसिंग है और एकदम बराबर आ रहा है। ये देखिए काफ़ी दूर तक जा रही है और लाइट एकदम बराबर है। अगर ये मोबाइल से रिकॉर्डिंग में आपको इतना दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल अगर देखेंगे ना तो एक्चुअली ब्राइट, बहुत ज़्यादा ब्राइट है, एक्चुअल इससे ज़्यादा ब्राइट है ये। तो ये लो बीम है, लो बीम में इसकी वाइट लाइट चालू होती है। अभी मैं इसकी हाई बीम ऑन करता हूँ, बाजू में गाड़ी है तो ये देखिए उसकी लाइट से ज़्यादा अपनी लाइट दिखाई दे रही है। अभी मैं हाई बीम करता हूँ, तो हाई बीम जो है येल्लो है, लेकिन ये बहुत दूर तक जा रही है, रेस बहुत ज़्यादा ही दूर जा रही है, एकदम ऊपर ही चली जा रही है, लेकिन एक्चुअली नीचे होना चाहिए था। हेडलाइट का फिर भी एकदम नीचे है, लेकिन फिर भी नीचे नहीं आ रहा है, एकदम ऊपर ही चले जा रहा है। ये देखिए आप देखेंगे ना तो एकदम सामने जा रहा है लाइट,
सामने जो दीवार जो आपको दिख रही है ना, दीवार पे लाइट जा रही है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा ही दूर चली है। हेडलाइट एकदम नीचे रखा हुआ है, पूरा पूरा डाउन किया हुआ है, लेकिन फिर भी एकदम ऊपर ही जा रहा है। इसका वाइट अच्छा है, वाइट काफ़ी अच्छा है। येलो एक्चुअली मैं सोचा कि रोड पे आना चाहिए, लेकिन रोड पे नहीं आ रहा है। ये इतना वाइट इतना दूर तक जा रहा है ना, येलो ऑन करता तो येलो एकदम ही दूर तक जा रहा है। अभी ये एक्चुअली इसमें अगर अगर पासिंग करूँगा तो वाइट बंद हो रहा है। देखिए काफ़ी दूर तक जा रहा है वाइट। ठीक है, अच्छा है। अगर आपको सिर्फ वाइट यूज़ करना है सस्ते में तो ये अच्छा है। इसका डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन येलो इतना एक्चुअली मज़ा नहीं दे रहा है। येलो बहुत दूर तक जा रहा है, इसको मैं हेडलाइट फिर भी कोशिश करता हूँ एकदम। और हाँ ये देखिए एकदम नीचे है, फिर भी एकदम रोड पे नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा ही दूर जा रहा है इसका लाइट। और इसका बैटरी अभी कितना दिखा रहा है, 11.6 दिखा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस ये सिंपल सा है ये वीडियो बल्ब का रिव्यू करने का था। वाइट इसका अच्छा है, येलो मज़ा नहीं आ रहा है इसका। ठीक है, अगर आपको फिर भी अगर ये वाइट आपको लेना है और यूज़ करना है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको ये दिला दूंगा। इसका प्राइस नीचे लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और दूसरा तो बाकी क्या है इसमें, तो कुछ है ही नहीं दूसरा। येल्लो में सोचा थोड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन येल्लो नहीं आ रहा है इसका। आप रेस देखेंगे ना, वी शेप जैसा रेस आ रहा है, क्योंकि साइड में लगा हुआ है LED साइड में, इसलिए एकदम वी शेप जैसे आ रहे। देखिए अगर आप सामने अगर ध्यान से देखें तो वी शेप जैसा दिखेगा, क्योंकि साइड में साइड फेसिंग है LED से इसकी, इसलिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। और इसके वीडियो ये बल्ब के बारे में आपको क्या लगता है, अच्छा लगा बुरा लगा आपको क्या कुछ अगर है तो प्लीज़ इसका फीडबैक देना इसको कमेंट सेक्शन में, ताकि और दूसरों को भी काम आ जाएगा और मुझे भी पता चले कि कितने लोगों को अच्छा लगा, कितने लोगों को सही नहीं लगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।